बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, होप्स ऑल ऑफ यू आर फाइन। टॉपिक जो हमारा दैट इज ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। उसमें हमने कुछ डिजीजेस पढ़नी है, एक ब्लड प्रेशर है रेगुलेशन और एथेरोस्क्लेरोसिस है, रेनॉल्ड फिनोमिना और कुछ लिम्फेटिक डिजीजेस और वेरिकोज वेंस के डिसऑर्डर्स है। पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, तो उसमें ब्लड प्रेशर रेगुलेट कैसे होता है। हम कहते हैं कि जितने भी हमारे बॉडी में सिस्टम्स काम कर रहे हैं वो एक फिजियोलॉजिकल रेंजेस में अगर वर्क करेंगे तो वो ठीक होंगे। अगर फिजियोलॉजिकल रेंज से अप एंड डाउन होते हैं तो हम कहते हैं कि वो डिसऑर्डर हो सकता है। अब ब्लड प्रेशर भी अपने नॉर्मल रेंज से कम होगा या ज्यादा होगा तो हम उसको हाइपरटेंशन कहेंगे। अगर ज्यादा होगा, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम कहेंगे दैट इज हाइपरटेंशन, और अगर कम हो रहा है तो हम कहेंगे दैट इज हाइपोटेंशन। अब ये पहली स्लाइड्स है, उसमें हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन का बताया हुआ है। हाइपोटेंशन मींस लो ब्लड प्रेशर। आपको पता है जब हाइपोटेंशन होती है तो उसके बाद क्या होता है, इम्पेयर्ड होती है, वो इम्पेयर्ड हो जाती है, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, सेलुलर हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया आपको पता है मेजर कॉज ऑफ सेल इंजरी, तो उसके बाद सेल डेथ होती है। तो हम कहते हैं कि हाइपोक्सिया या हाइपोटेंशन जो है दैट रिजल्ट्स इन टिश्यू डेथ, ठीक है, एंड हाई ब्लड प्रेशर दैट्स कॉल्ड हाइपरटेंशन। इसमें हम कहते हैं कि जब हाइपरटेंशन होती है तो उसकी वजह से एंड ऑर्गन डैमेज होता है, वेसल्स डैमेज होती हैं, एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज होती है। जब एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज होती है तो हम कहते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस डिवेलप हो जाती है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हाइपरटेंशन है दैट इज अ मेजर रिस्क फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, उसमें ये बताया कि कार्डिक आउटपुट और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस की हेडिंग्स हैं। तो हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ कार्डिक आउटपुट एंड पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। ये दोनों फिनोमिना नॉर्मल रेंज में एग्जिस्ट करता है। अब कार्डिक आउटपुट जो है ये क्या है, बेसिकली ये दोनों फैक्टर्स जो है, हम कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ कार्डिक आउटपुट एंड पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। तो ये दोनों फैक्टर्स जो है हम कहते हैं कि दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो इन दोनों फैक्टर्स को, कार्डिक आउटपुट और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को डिस्टर्ब करते हैं, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब कार्डिक आउटपुट जो है ये क्या होता है, कार्डिक आउटपुट हम कहते हैं इट इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट का जो फंक्शन है दैट इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम जो है इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है दैट इज फिलिंग प्रेशर, ठीक है, और ये प्रेशर फिलिंग जो है दैट इज रेगुलेटेड बाय सोडियम कंसंट्रेशन या सोडियम, और हार्ट रेट और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है इसको हम कहते हैं कि दैट इज कंट्रोल्ड बाय अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक सिस्टम। हार्ट रेट फंक्शन ऑफ कार्डिक आउटपुट एंड पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। कार्डिक आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम इज रेगुलेटेड बाय सोडियम होम्योस्टेसिस एंड हार्ट रेट इज रेगुलेटेड बाय अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक सिस्टम। एंड देन पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस हम कहते हैं कि ये प्रोमिनेंट होती है एट द लेवल ऑफ आर्टरियोल्स बाय न्यूरल एंड हार्मोनल इनपुट्स, ठीक है। वास्कुलर टोन जो होती है दैट रिफ्लेक्ट्स अ बैलेंस बिटवीन वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एंड वेजो डायलेटर्स। सिंपली हम कहते हैं कि ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो एक नॉर्मल फ्लो में मूव कर रहा है, वो कंट्रोल हो रहा है वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर और वेजो डायलेटर एलिमेंट्स के बैलेंस की वजह से। अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर और वेजो डायलेटर सब्सटेंसेस का तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये हाइपरटेंशन हो जाएगी या हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि वास्कुलर टोन इज रेगुलेटेड बाय वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एंड वेजो डायलेटर्स। वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स में आते हैं एंजियोटेंसिन 2, कैटेकोलामाइन्स एंड एंडोथेलियन फैक्टर्स। एंजियोटेंसिन 2, कैटेकोलामाइन एंड एंडोथेलियन फैक्टर्स जो हैं ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं। वेजो डायलेटर्स में आप लोगों ने पहले पढ़े हुए भी हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोस्टाग्लैंडिन है, काइनिन है और नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस में एक तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इट
is prominent at the level of arterioles and normal vascular tone is maintained. Vasodilators, vasoconstrictors are angiotensin 2, catecholamines and endothelin, and vasodilators are prostaglandin, nitric oxide and kinin. बताया कि इंटरेक्शन ऑफ फैक्टर्स रिलीज्ड फ्रॉम किडनी एड्रेनल एंड मायोकार्डियम के हमारी बॉडी के जो वास्कुलर टेन या ब्लड वॉल्यूम जो रेगुलेट हो रहा है इन प्रोसेस ऑफ या इन मेंटेनेंस ऑफ वास्कुलर टोन और रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. तो हम कहते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स का रोल होता है. वो फैक्टर्स कहाँ से रिलीज होते हैं? किडनी से, एड्रेनल से और मायोकार्डियम से. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं फैक्टर्स रिलीज्ड फ्रॉम किडनीज, एड्रेनल्स एंड मायोकार्डियम इंटरैक्ट टू इन्फ्लुएंस वास्कुलर टोन एंड टू रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम बाय एडजस्टिंग सोडियम बैलेंस. अब वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, हम वो फैक्टर्स देखते हैं. फर्स्ट फैक्टर जो है दैट इज रेनिन, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज रेनिन. रेनिन जो है बेसिकली आपको पता होना चाहिए है जो किडनीज की जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स से रिलीज होता है, ठीक है. इसके अलावा मायोएपिथेलियल सेल्स से रिलीज होता है, ठीक है. और रेनिन के रिलीज ये तो थी इसकी रिलीजिंग साइट्स कि रेनिन एक प्रोटोलिटिक एंजाइम है, किडनीज के जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स से रिलीज हो रहा है और मायोएपिथेलियल सेल्स से रिलीज हो रहा है. अब देखना यह कि रेनिन जो है वो रिलीज किस वजह से हो रहा है. इट इज रिलीज्ड इन रेस्पॉन्स टू लो ब्लड प्रेशर इन अफ्रंट आर्टरियोल्स. जब भी अफ्रंट आर्टरियोल्स में ब्लड प्रेशर लो होगा, हाइपोटेंशन होगी, तो रेनिन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, सेक्रेट हो जाता है. या फिर कैटेकोलामिन्स का लेवल बढ़ जाए या सोडियम लेवल लो हो जाए तो हम कहते हैं कि रेनिन रिलीज होगा. थ्री फैक्टर्स हैं इन रेस्पॉन्स टू लो ब्लड प्रेशर, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ कैटेकोलामिन्स और लो सोडियम लेवल्स. तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से रेनिन रिलीज हुआ. रेनिन का फंक्शन होता है कि ये प्लाज्मा एंजियोटेंसिन को, हमारे ब्लड में एक एंजियोटेंसिन मेटाबोलाइट है, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है. एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसको हम कहते हैं एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. एंजियोटेंसिन 2 जो होगा वो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ाता है तीन फैक्टर्स की हेल्प से. एक तो वास्कुलर स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, दूसरा एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन कराएगा बाय एड्रिनल ग्लैंड, एंड थर्ड सोडियम रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा देगा. ये फैक्टर था रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. रेनिन एक प्रोटोलिटिक एंजाइम है जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स से रिलीज होता है, मायोएपिथेलियल सेल्स से रिलीज होता है. रेनिन के रिलीज होने की वजह तीन है, लो ब्लड प्रेशर, इंक्रीज लेवल एंड लो सोडियम लेवल. रेनिन फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करते हैं. एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा. एंजियोटेंसिन 2 फिर ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा और उसके 3 प्रोसेस होंगे. एक वास्कुलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन कराएगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज कराएगा और थर्ड सोडियम रीअब्सॉर्प्शन को दोबारा करा देगा. और सेकंड फैक्टर है इंक्रीज लेवल ऑफ वास्कुलर रिलैक्सिंग सब्सटेंसेस. वास्कुलर रिलैक्सिंग सब्सटेंसेस जो है हमारे पास है प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड. ये भी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है. एड्रिनल एल्डोस्टेरोन, एड्रिनल एल्डोस्टेरोन भी ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा जब ब्लड प्रेशर कम. सोडियम रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, दैट्स व्हाई ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड. उसके बाद है मायोकार्डियल नेट्रीजुरेटिक पेप्टाइड्स. ये एट्रियल और वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम से रिलीज होते हैं इन रिस्पॉन्स टू वॉल्यूम एक्सपेंशन, और ये सोडियम रीअब्सॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं और डायूरेसिस करते हैं.
روبنس کے بلڈ ویسلز والے چیپٹر میں فگر 9-4 دکھائی گئی ہے، کس طرح سے سارے فیکٹرز جو ہیں ایٹریل نیٹریجوریٹک پیپٹائڈز کس طرح سے بلڈ پریشر کو ڈیکریز کرتے ہیں، بلڈ والیوم ڈیکریز کرتے ہیں، ایلڈوسٹیرون کس طرح سے بلڈ پریشر کو انکریز کر رہا ہے، رنین اینجیو ٹینشن سسٹم کس طرح سے بلڈ پریشر کو انکریز کر رہا ہے، یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو ہم کہتے ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں کڈنیز ایڈرینل اور مایوکارڈیم سے، اور یہ واسکولر ٹون کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ٹائپس اینڈ کازز آف ہائپر ٹینشن ٹیبل میں سلائڈز میں بھی دی ہوئی ہیں، اور اس میں اسینشیل ہائپر ٹینشن ہے، سیکنڈری ہائپر ٹینشن کے کازز ہیں، یہ ڈفرنٹ کازز ہیں، آپ اس میں سے ہر ہیڈنگ کے ایک ایک دو دو کازز آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے. نیکسٹ جو ہے جو میجر ٹاپک ہے دیٹ از پیتھوجینیسس آف ہائپر ٹینشن. 90-95% جو ہے ہائپر ٹینشن کو ہم کہتے ہیں دیٹ از ایڈیوپیتھک، جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، اس کو ہم پرائمری ہائپر ٹینشن بھی کہہ سکتے ہیں. پرائمری ڈیزیز جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایڈیوپیتھک ہوتی ہیں. سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہم کہتے ہیں کسی کاز کی وجہ سے ہوتی ہے، ڈفرنٹ کازز دیے ہوئے ہیں، کوئی رینل ڈیزیز ہو سکتی ہے، کوئی اینڈوکرائن ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، کوئی کارڈیو ویسکولر ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرنٹ جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں جو سیکنڈری ہائپر ٹینشن کی وجہ بنتے ہیں. فرسٹ جو فیکٹر ہے ہمارے پاس دیٹ ہم دیکھیں گے ٹو ٹائپس کی ہیڈنگز ہمارے پاس، ایک ہے جین ڈیفیکٹس اور دوسرا ہے میوٹیشن. سنگل جین ڈس آرڈر میں فرسٹ فیکٹر از جین ڈیفیکٹس، ہم کہتے ہیں کہ جین ڈیفیکٹس ان انزائمز انوالوڈ ان ایلڈوسٹیرون میٹابولیزم. ایلڈوسٹیرون میٹابولیزم میں جو انزائمز انوالو ہوتے ہیں ان کے کوئی جینیٹک ڈیفیکٹس ہو جائیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، ایلڈوسٹیرون سیکریشن انکریز ہو جائے گی، سالٹ اینڈ واٹر ری ابزاربشن زیادہ ہوگی، پلازما والیوم ایکسپینشن ہوگی تو ہائپر ٹینشن انکریز کرے گی. اس کے علاوہ ہے میوٹیشنز، ان پروٹینز میں میوٹیشن ہو جائے جو سوڈیم ریزارپشن کراتی ہیں. تو دس از جینیٹک فیکٹرز، یا جو ہم کہتے ہیں کہ جینیٹک فیکٹرز جو ہیں سیکنڈری ہائپر ٹینشن میں انوالو ہوتے ہیں. اس میں سنگل جین ڈس آرڈر ہے، اور سنگل جین ڈس آرڈرز میں ہم نے بتانا ہے کہ وہ انزائمز افیکٹ ہو جائے یا وہ پروٹینز جو سوڈیم ریزارپشن میں انوالو ہوتی ہیں ان کی میوٹیشن ہو جائے. اب اس کا میکانزم ہے میکانزم آف اسینشیل ہائپر ٹینشن. کوئی اسپیسیفک لیژن یا اسپیسیفک جو ٹریگرنگ ایجنٹس ہیں وہ نون نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ہم کہتے ہیں کہ رینل سوڈیم ہومیوسٹیسس میں کوئی آلٹریشن آ جائے یا واسکولر ریزسٹنس انکریز ہو جائے تو اٹ ول لیڈ ٹو سیکنڈری اسینشیل ہائپر ٹینشن. ٹھیک ہے، ریڈیوسڈ رینل سوڈیم ایکسکریشن دیٹ از فرسٹ فیکٹر. جب سوڈیم ایکسکریشن جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی، سوڈیم ایکسکریٹ نہیں ہو پا رہا تو کیا ہوگا، فلوئڈ والیوم انکریز ہونا شروع ہو جائے گا، کارڈیک آؤٹ پٹ انکریز ہوگا اور بلڈ پریشر بھی انکریز ہوگا. انکریز واسکولر ریزسٹینس، انکریز واسکولر ریزسٹینس جو ہے وہ ڈفرینٹ فنکشنل ویزو کانسٹرکٹر ایجنٹس کی وجہ سے ہوتی ہے. ویزو کانسٹرکٹر ایجنٹس آپ لوگوں نے پہلے پڑھے ہیں، اس میں کیٹیکولامینس آتے ہیں، اینڈوتھیلین ایجنٹس آتے ہیں اور سوڈیم ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ واسکولر ریزسٹینس جو ہے سبسٹانسز کی وجہ سے یا پھر ویسل والو میں کوئی اسٹرکچرل چینجز آ جائیں. جینیٹک فیکٹرز ہیں، جینیٹک فیکٹرز ہم کہتے ہیں کہ ان کا رول ہے بلڈ پریشر ڈیٹرمن کرنے میں. جیسے کہ جینیٹک فیکٹرز میں ہم کہیں گے کہ اینجیوٹینسین کی جو جینز ہیں یا اینجیوٹینسین کے جو انزائمز ہیں ان میں کوئی جینیٹک ڈیفیکٹس آ جائیں. پھر کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں سٹریس، اوبیسٹی، اسموکنگ، فزیکل انیکٹیویٹی اینڈ ہائی لیول آف سالٹ کنزمپشن. جو بھی پرسن سٹریس لے گا اس کا بلڈ پریشر انکریز ہوگا، جو موٹا پرسن ہوگا اس کو بھی زیادہ ہوگا. اسموکنگ بھی بلڈ پریشر بڑھائے گی ود دی ہیلپ آف ریئیکٹیو آکسیجن سپیشیز، اینڈ فزیکل انیکٹیویٹی اینڈ ہائی لیول آف سالٹ کنزمپشن آلسو موڈیفائی دی. نیکسٹ جو ہے مارفولوجی ہے ہائپر ٹینشن کی، ایک اس میں آپ لوگوں نے اب تک جو میں نے ڈسکشن کیا ہے اس میں ہائپر ٹینشن ہائپو ٹینشن کی ڈیفینیشنس تھیں، بلڈ پریشر
फंक्शन कैसे होता है, कार्डिक आउटपुट और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस की वजह से, और कुछ फैक्टर्स थे जिसमें रेनिन एंजियोटेंसिन फैक्टर था, वेजो कॉन्स्ट्रक्टर या वेजो डायलेटर सबस्टांसिस थे, एड्रीनल एल्डोस्टेरोन है, मायोकार्डियल नेट्रोजुरेटिक पेप्टाइड्स थे, और इसके अलावा पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन जिसमें एसेंशियल हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। एसेंशियल हाइपरटेंशन में जो था कॉज अननोन है हमारे पास, सेकेंडरी हाइपरटेंशन में डिफरेंट एंडोक्राइन रिनल कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, और बाकी पैथोजेनेसिस डिस्कस हो चुकी है। लास्ट वन जो है मॉर्फोलॉजी, हाइपरटेंशन जो है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। हाइपरटेंशन टू टाइप्स ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल, हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और दूसरा ये कहते हैं हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब है आर्टरीज मीन आर्टरीज, और स्क्लेरोसिस का वर्ड जहां पे आता है आप लोगों को पता ही है दैट मीन्स हार्डनिंग। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, तो हम कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड वेसल्स हार्डनिंग होती है, जिसके दो तरह के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, एक हाइलिन है और एक हाइपरप्लास्टिक है। हाइलिन में मॉर्फोलॉजी जो हमें नजर आएगी ब्लड वेसल्स की वो होमोजेनियस पिंक थिकनिंग होगी, अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स लॉस हो जाएंगे, ल्यूमिन नैरो हो जाता है, प्लाज्मा कंपोनेंट जो होते हैं उनकी लीकेज हो जाती है क्रॉस एंडोथेलियम, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एक्सेसिव सेंसिस हो जाता है। हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, वेसल्स की ऑनियन स्किन लाइक अपेयरेंस होती है और ल्यूमेन भी इसमें नैरो होता है, और इसके अलावा जो लेमिनेशंस होती हैं उसमें हम कहते हैं स्मूथ मसल सेल्स होते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट जो स्लाइड है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मीन्स हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, तो इसमें हम कहते हैं कि जब आर्टेरियल वॉल की थिकनिंग होती है तो वेसल की इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, इलास्टिसिटी लॉस होने की वजह से थिकनिंग जो होती है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मीन्स हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज जो है ये तीन तरह से होती है। एक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो है उसमें हम कहते हैं कि ये इफेक्ट करती है स्मॉल आर्टरीज और स्मॉल आर्ट्रियोल्स को, ठीक है, उसकी जो वेरिएंट्स हैं वो हाइलिन एंड हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है जो हमने हाइपरटेंशन में पढ़ा है। उसके बाद आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में हम कहते हैं कि सम टाइम को कैल्सिफिक डिपॉजिट्स बन जाते हैं, कैल्सिफिकेशन की वजह से मस्कुलर आर्टरीज में डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, मोस्टली ये उन पर्सन में होती है जो मोर देन 50 इयर्स के होते हैं, ठीक है, उसमें भी हार्डनिंग ऑफ डिजीज है। या थर्ड जो पैटर्न जिसमें हम कहते हैं कि आर्टरीज की हार्डनिंग होती है दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, जो हमारा मेजर टॉपिक है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ग्रियोल, ग्रियोल का मतलब है हार्डनिंग। एथेरोस्क्लेरोसिस से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ब्लड वेसल की लेयर्स की बात करते हैं तो तीन तरह की लेयर्स होती हैं, इंटाइमा, मीडिया एंड एडवेंटिशा। इनर वन जो होती है इंटीमा है, उसके बाद मीडिया एंड आउटर मोस्ट जो होती है दैट इज एडवेंटिशिया लेयर। एथेरोस्क्लेरोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इंटीमल लेजन कॉल्ड एथेरोमा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीमा जो होता है उसमें कोई लीजन हुई उसको हम इंटीमल लीजन कहेंगे या एथेरोमा कहेंगे, ठीक है। इंटीमल लीजन को हम कहते हैं दैट इज प्रोट्रूडेड इनटू वास्कुलर ल्यूमेन, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एथेरोमेटस और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। अब इसमें इस डिजीज में सबसे पहले इंटाइमल लीजन हुई, मीन्स इंटाइमा जो इनर मोस्ट लेयर थी ब्लड वेसल की उसमें लीजन होगी या कोई इंजरी हुई। उसके बाद हम कहते हैं जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है या एथेरोमेटस, ठीक है, जिसमें सॉफ्ट येलो लिपिड कोर्स होते हैं, ठीक है। अब ये सॉफ्ट येलो लिपिड कोर्स जो होते हैं ये बेसिकली कोलेस्ट्रोल कोलेस्ट्रोल एस्टर्स होते हैं विद नेक्रोटिक डेब्रिस, सॉफ्ट येलो कवरिंग ऑफ लिपिड्स जिसको हम कहते हैं वो कोलेस्ट्रोल है, ये कोलेस्ट्रोल एस्टर्स हो सकते हैं नेक्रोटिक डेब्रिस के साथ। अब ये सॉफ्ट येलो लिपिड्स के ऊपर हम कहते हैं कि फाइब्रस कैप्स होती हैं, लीजन के हम डिफाइन कर रहे हैं कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो है या एथेरोमेटस लीजन जो है वो कैसी होती है।
तो आपको पता होना चाहिए कि एक रेज्ड लीजन है जो सॉफ्ट येलो लिपिड कोर से बनी होती है. सॉफ्ट येलो लिपिड कोर्स जो है दे आर कवर्ड बाय फाइब्रस कैप. और इस एक और जो है क्लासिक डेब्रिस. तो यहां तक आपको पता होना चाहिए कि थीरोस्क्लीरोटिक प्लाक होता क्या है. एक रेज्ड लीजन है, सॉफ्ट येलो लिपिड कोर्स है, उसके साथ फाइब्रस कैप की कवरिंग है. वट इज एपिडेमियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन. तो एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि डिजीज का प्रेवलेंस कितना है, स्प्रेड कितना है. तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ. दैट इज कॉमन अमंग मोस्ट डेवलप्ड नेशंस एंड लेस प्रेवलेंट इन सेंट्रल साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ एशिया. प्रेवलेंस एंड सिवियरिटी ऑफ एथीरोस्क्लीरोसिस एंड IHD. IHD स्टैंड फॉर इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस. इस्कीमिया की वजह से, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन की वजह से जो हार्ट डिजीजेज होती हैं, तो हम कहते हैं कि इनका प्रेवलेंस, एथीरोस्क्लीरोसिस का स्प्रेड और सिवियरिटी जो होती है उसके रिस्क फैक्टर्स और इस्कीमिक हार्ट डिजीजेज के रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो सेम है. ठीक है, अगर आपके पास टॉपिक का क्वेश्चन आ जाता है कि एथीरोस्क्लीरोसिस के फैक्टर्स लिखे, रिस्क फैक्टर्स या इस्कीमिक हार्ट डिजीजेज के रिस्क फैक्टर्स लिखे, तो आप सेम सेम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों डिजीजेस के चाहे वो स्कीम सेम है. अब ये रिस्क फैक्टर्स हैं कौन से? इनमें से कुछ रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल. कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है दे आर लेस कंट्रोलेबल, जो हमारे बस की बात नहीं है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. और कुछ होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन मॉडिफाइएबल या एक्वायर्ड. सम फैक्टर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल, constitutional are less controllable, but others are acquired. Acquired जो होते हैं हम कहते हैं they are in our control, ये controllable हैं. और इसमें controllable इसलिए हैं कि that are related to various behavioral and environmental factors, जिनको हम control किया जा सकते हैं. तो हम इसमें देखेंगे constitutional को हम नॉन मॉडिफाइएबल फैक्टर्स कहते हैं, और दूसरे जो होंगे उनको हम मॉडिफाइएबल फैक्टर्स कहते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते. मॉडिफाइएबल जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिनको हमारा कंट्रोल है. मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स में, नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स में जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज हैं, कि कोई जीन्स एबनॉर्मैलिटी होगी, कोई जेनेटिक डिफेक्ट है जिसको, जो हमारे बस की बात नहीं, इसको हम नहीं चेंज, जो अगर जीन अब नॉर्मल होगी या म्यूटेटेड होगी तो वो हम ठीक नहीं कर सकते. फैमिली हिस्ट्री आ रही है, उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, ना फैमिली चेंज कर सकते. इंक्रीजिंग एज, बढ़ती हुई एज को हम नहीं रोक सकते. डे बाय डे, सेकंड बाय सेकंड हमारी एज कम हो रही है. मेल जेंडर, ये भी चेंज नहीं हो सकता. तो ये जो जेनेटिक अब नॉर्मैलिटीज, फैमिली हिस्ट्री, इंक्रीजिंग एज, मेल जेंडर, ये चारों फैक्टर्स जो हैं ये नॉन मॉडिफाइएबल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स हैं. उसके बाद है मॉडिफाइएबल फैक्टर्स, कि जो फैक्टर्स हम चेंज कर सकते हैं. हाइपरलिपिडीमिया कर सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, मेडिकेशन से लिपिड को कम कर सकते हैं, डाइटरी इनटेक से लिपिड को कम कर सकते हैं. हाइपरटेंशन, ये भी हम डिफरेंट मेडिकेशन अपने रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकते हैं. एनवायरमेंट चेंज करके हाइपरटेंशन कम की जा सकती है. सिगरेट स्मोकिंग क्विट कर देंगे तो रिस्क फैक्टर नहीं रहेगा. डायबिटीज, इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं. इन्फ्लेमेशन, इसको भी हम क्योर कर सकते हैं. तो ये मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं एथीरोस्क्लीरोसिस के, नॉन मॉडिफाइएबल एंड मॉडिफाइएबल. नॉन मॉडिफाइएबल में जेनेटिक अबनॉर्मैलिटीज है, फैमिली हिस्ट्री है, इंक्रीज एज है, मेल जेंडर है. मॉडिफाइएबल में हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग, ये तो था मेजर रिस्क फैक्टर जिसमें नॉन मॉडिफाइएबल थे और मॉडिफाइएबल थे. इसके अलावा कुछ एडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन है. हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं, इनका रोल जो होता है थ्रू आउट जितनी भी एथीरोस्क्लीरोटिक प्लाक की जो स्टेजेस होती हैं उनमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स अपना रोल प्ले करते रहते हैं. सी रिएक्टिव प्रोटीन, सी रिएक्टिव जो है ये पेंट्रेक्सिन फैमिली से बिलोंग करती है.
एक्यूट फेज रिएक्टेंट है और इट इज सेंथिसाइज प्राइमरली बाय लिवर, लिवर से सेंथिसाइज होती है। और हम कहते हैं कि सीआरपी जो है दैट इज सिक्रीटेड बाय सेल्स विद इन एथीरोस्क्लीरोटिक प्लाक। एथीरोस्क्लीरोटिक प्लाक के जो सेल्स होते हैं वहां से रिलीज होती है एंडोथेलियल सेल्स को एक्टिवेट करके। जब एंडोथेलियल सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, एडहेसिवनेस इंक्रीज होती है और प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेज जो है वो डिवेलप होती है। हाइपर होमोसिस्टीनीमिया, सीरम होमोसिस्टीन लेवल जब इंक्रीज करता है तो हम कहते हैं दैट इज रिलेटेड विद क्रोनरी एथीरोस्क्लीरोसिस। कि जब होमोसिस्टीन लेवल ब्लड में इंक्रीज करेगा तो क्रोनरी आर्टरीज जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेस डिवेलप होती हैं, स्ट्रोक हो सकता है या वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं। बेसिकली हाइपर होमोसिस्टीनीमिया भी एक एडिशनल रिस्क फैक्टर है। उसके बाद है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एडिशनल रिस्क फैक्टर जिसमें हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं कि इट इज एसोसिएटेड विद सेंट्रल ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, हाइपरकोएगुलेबिलिटी एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेज। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप करते हैं जिसमें सेंट्रल ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हाइपरटेंशन है, डिसलिपिडीमिया, हाइपरकोएगुलेबिलिटी एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेज। लाइपोप्रोटीन लेवल्स, लाइपोप्रोटीन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है। लाइपोप्रोटीन अल्फा, लाइपोप्रोटीन अल्फा जो है ये एलडीएल लाइक पार्टिकल है जिसमें एपो लाइपोप्रोटीन बी 100 होती है जो एपो लाइपोप्रोटीन से लिंक्ड होती है। लाइपोप्रोटीन अल्फा लेवल्स जो है ये डायरेक्टली इनका कोरिलेशन है क्रोनरी एंड सेरिब्रोवास्कुलर डिजीजेस के साथ। उसके अलावा आपको पता है कि जहां हमारे बॉडी में एक रेगुलेटर है वहां पे एक उसका इनहिबिटर भी मौजूद है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस हम कह सकते हैं कि इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद एलिवेटेड लेवल ऑफ प्रोकोएगुलेंट्स। कि जब प्रोकोएगुलेंट और एंटीकोएगुलेंट फैक्टर्स का बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा तब भी एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो सकती है। इसके अलावा अदर फैक्टर्स में लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो ये इसके अदर फैक्टर्स हैं। एडिशनल रिस्क फैक्टर्स में इन्फ्लेमेशन था, सीआरपी लेवल, हाइपर होमोसिस्टीनीमिया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, लाइपोप्रोटीन अल्फा लेवल, एलिवेटेड लेवल ऑफ प्रोकोएगुलेंट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। हम कहते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है आर्टीरियल वॉल्स का टू एंडोथेलियल इंजरी। लीजन प्रोग्रेशन जो होती है, जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो बढ़ता है उसमें हम कहते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स का इंटरेक्शन होता है, मॉडिफाइड लाइपोप्रोटीन्स का, मोनोसाइट ड्राइव्ड मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट्स एंड सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो अपना रोल प्ले करते हैं। इसमें पैथोजेनेसिस में फर्स्ट जो फैक्टर है ये हम कहते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत सारे पैथोजेनिक इवेंट्स की वजह से डेवलप होती है। तो फर्स्ट पैथोजेनिक इवेंट जो है दैट इज एंडोथेलियल इंजरी। एंडोथेलियल इंजरी आपको पता है जब एंडोथेलियल इंजरी होती है तो उसकी वजह से एंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग होती है, मीन्स एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गैप्स बनते हैं और वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है। उसके साथ लिकोसाइट्स एडहेजन एंड एक्टिवेशन जो आप लोगों ने इन्फ्लेमेशन में पढ़ा हुआ है, लिकोसाइट्स विस्कस होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से सेल्स जो हैं लिकोसाइट्स वो वेसल के साथ स्टिकी होना शुरू हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं लिकोसाइट्स एडहेजन एंड थ्रोम्बोसिस। तो फर्स्ट पैथोजेनिक इवेंट जो है वो एंडोथेलियल इंजरी है। एंडोथेलियल इंजरी में हम कहते हैं कि एंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग होती है, उसकी वजह से वास्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ती है और लिकोसाइट्स एडहेजन और थ्रोम्बोसिस डिवेल्प होते हैं। उसके बाद जब एंडोथेलियल इंजरी हो जाएगी उसके बाद हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन्स की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है। लाइपोप्रोटीन्स में ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स की डेपोजिशन होती है वेसल वॉल में। एंडोथेलियल इंजरी हुई, लाइपोप्रोटीन्स की एक्यूमुलेशन हुई, उसके बाद प्लेटलेट्स एडहेजन स्टार्ट होगी। प्लेटलेट एडहेजन जब होगी तो प्रोकोएगुलेंट फैक्टर्स जो हैं वो एनहांस होंगे। उसके बाद मोनोसाइट्स एडहेजन टू एंडोथेलियम एडहेसिव होंगे, अटैच होंगे, इंटीमा में माइग्रेट करेंगे और मैक्रोफेजिस में
डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और फॉर्म सेल्स में. फॉर्म सेल्स जो होते हैं हम कहते हैं कि जब मैक्रोफेजिस लिपिड के साथ लिपिड एनगल्फ कर लें तो उनको हम फॉर्म सेल्स कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पैथोजेनिक इवेंट है लिपिड एक्यूमुलेशन विद इन मैक्रोफेजिस, जिसको हमने फॉर्म सेल कहा. जब मैक्रोफेजिस में लिपिड एक्यूमुलेशन होती है तो डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होंगे. नेक्स्ट पैथोजेनिक इवेंट है स्मूथ मसल रिक्रूटमेंट. स्मूथ मसल रिक्रूटमेंट किस वजह से हुई? एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स की वजह से, मैक्रोफेजिस की वजह से और वास्कुलर सेल वॉल्स की वजह से. एंड स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन एंड ECM प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोडक्शन. तो ये कुछ हेडिंग्स हैं पैथोजेनिक इवेंट्स की जो थीरो एंडोथेलियल इंजरी, एक्यूमुलेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, प्लेटलेट एडहीजन, मोनोसाइट एडहीजन टू एंडोथीलियम, लिपिड एक्यूमुलेशन विद इन मैक्रोफेजिस, स्मूथ मसल रिक्रूटमेंट, स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन एंड ECM. इनकी कुछ डिटेल्स देखते हैं. एंडोथेलियल इंजरी कॉज करती है एंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड परमीएबिलिटी, ल्यूकोसाइट्स एडहेजन एंड थ्रोम्बोसिस. तो इसके जो टू मोस्ट इंपोर्टेंट कॉजेज जो हैं एंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग के वो हैं हीमोडायनेमिक डिस्टरबेंस एंड हाइपर कोलेस्टरलेमिया. जब हीमोडायनेमिक डिस्टरबेंस हो जाए एडिमा थ्रोम्बोस एम्बोलिज्म या इन्फेक्शन. तो पहले हम देखते हैं हीमोडायनेमिक डिस्टरबेंस. हीमोडायनेमिक डिस्टरबेंस में हम कहते हैं प्लाक जो होता है मोस्टली एग्जिस्टिंग वेसल्स के ओस्टिया पे बनते हैं. ठीक है, ओस्टिया ऑफ एग्जिस्टिंग वेसल पे बनेंगे, ब्रांचिंग पॉइंट्स पे बनते हैं या फिर पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा पे बनेंगे. ये इसकी साइट्स हैं हीमोडायनेमिक डिस्टरबेंस में. ये प्लाक जो है वो कहाँ कहाँ बन सकता है? ओस्टिया ऑफ एग्जिस्टिंग वेसल पे, ब्रांच पॉइंट्स पे एंड अलोंग द पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा. नेक्स्ट फैक्टर जो है एंडोथेलियल इंजरी का, पहला था एंडोथेलियल डिसफंक्शन और दूसरा हीमोडायनेमिक डिस्टरबेंस और दूसरा है हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया. हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया हम कहते हैं कि ये किस वजह से होगा? जब कोई म्यूटेशन आ जाए. इसकी दो कॉजेज हो सकती हैं, एक म्यूटेशन है या फिर चेंज कर दें, डिस्टर्ब कर दें. हाइपरलिपिडीमिया या हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया के टू मेजर कॉजेज हैं, म्यूटेशन एंड एनी डिसऑर्डर दैट डिरेंज या डिस्टर्ब लिपिड्स मेटाबॉलिज्म. क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जब लिपोप्रोटीन एबनॉर्मैलिटीज होती हैं? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज हो जाता है, लाइपोप्रोटीन अल्फा इंक्रीज हो जाती है. एलडीएल आपको पता है दैट इज बैड कोलेस्ट्रॉल एंड एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल. तो जब बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाए, गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज हो जाए तो इसकी वजह से भी हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया डेवलप होगा. एंड इंक्रीज्ड लेवल ऑफ लाइपोप्रोटीन अल्फा जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये एसोसिएट करती है कोरोनरी स्क्लेरोसिस के साथ. दैट इज लिपिडीमिया. डिसलिपिडीमिया जो है मतलब उसकी कॉजेशन क्या होती है? तो हाइपरलिपिडीमिया की जो कॉजेशन होती है उसमें हम कहते हैं कि भाई जब हाइपरलिपिडीमिया होता है तो ये डायरेक्ट एंडोथेलियल सेल्स को डिरेंज करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की वजह से डैमेज करता है और इसके अलावा ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल एंड कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स की एक्यूमुलेशन होती है. और मैक्रोफेजिस जब फॉर्म सेल्स को एनगल्फ करते हैं तो उन लिपिड को एनगल्फ करते हैं तो उनको हम फॉर्म सेल्स कहते हैं. तो जब लिपिड एक्यूमुलेशन होती है मैक्रोफेजिस में तो ये डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करती है जो कि साइटोटॉक्सिक होते हैं एंडोथेलियल सेल्स के लिए. और लास्ट पैथोजेनिक इवेंट जो है वो इन्फ्लेमेशन है. इन्फ्लेमेशन आप लोगों ने सारी डिटेल में पढ़ी हुई है, सेलुलर इवेंट्स कैसे होते हैं, वास्कुलर चेंजेस कैसी होती हैं. तो उसमें यह है कि वास्कुलर परमिएबिलिटी हुई, ल्यूकोसाइट्स की एडहीजन हुई, थ्रोम्बोसिस हुई, उसके साथ ही मोनोसाइट्स जो होते हैं वो मैक्रोफेजिस में डिफ्रेंशिएट होते हैं और लाइपोप्रोटीन्स को एनगल्फ कर लेते हैं. ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स को भी एनगल्फ करते हैं. तो जब मैक्रोफेजिस लिपिड्स को एनगल्फ करते हैं तो उनको हम इन्फ्लेमासोम कहते हैं, फॉर्म सेल्स कहते हैं.
और एक्टिवेटेड मैक्रोफेजिस जो हैं फिर कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस करती हैं जो ग्रोथ फैक्टर्स को इलेबोरेट करती हैं, ग्रोथ फैक्टर स्मूथ मसल सेल की प्रोलिफरेशन कहते हैं। उसके अलावा टी लिम्फोसाइट्स भी इन्वॉल्व हैं इसमें इन्फ्लेमेशन में। टी सेल्स साइटोकाइंस को सिक्रीट करते हैं जो मैक्रोफेजिस, एंडोथेलियल सेल्स और स्मूथ मसल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। इन्फेक्शन इसी कोई एज सच कोई एविडेंस बेस्ड नहीं है कि किस तरह से इन्फेक्शन एथियोस्क्लेरोसिस करता है, इसकी पैथोजेनेसिस में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन एंड मैट्रिक्स सेंसेस। इंटीमल स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन स्टार्ट किसकी वजह से होती है? टी लिम्फोसाइट्स की वजह से। और इसमें क्या होता है, एक फैटी स्ट्रीक जो होती है जो अर्लीस्ट लीजन थी जिसमें मैंने कहा था कि सॉफ्ट येलो लिपिड कोर होती है जो एनरिच सॉफ्ट येलो लिपिड कोर जो होती है दैट इज कवर्ड बाय फाइब्रस कैप। तो उस ये जो लीजन होगी वो फिर एक फैटी इसको हम फैटी स्ट्रीक कहते हैं। फैटी स्ट्रीक एक मेच्योर एथिरोमा में डेवलप होना शुरू हो जाती है। ग्रोथ फैक्टर्स हैं प्लेटलेट्स हैं मैक्रोफेजिस एंडोथेलियल सेल्स हैं फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ये सारे के सारे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक की स्टेबिलाइजेशन करते हैं। मॉर्फोलॉजी में है फैटी स्ट्रीक की मॉर्फोलॉजी देखनी है और एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक की मॉर्फोलॉजी देखनी है। आपको पता है कि जो अर्ली लीजन होती है वो फैटी स्ट्रीक कहलाती है, लेकिन विद जैसे जैसे पैथोजेनेसिस में हम पैथोजेनिक इवेंट्स बढ़ते जाते हैं तो फैटी स्ट्रीक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में कन्वर्ट हो जाती है। फैटी स्ट्रीक की मॉर्फोलॉजी में हम कहते हैं कि एक माइन्यूट येलो स्ट्रीक है। इट इज कम्पोज्ड ऑफ लिपिड फील्ड फोमी मैक्रोफेजिस। बस इसमें आप लोगों को बस यही याद रखना है कि लिपिड फील्ड फोमी मैक्रोफेजिस हैं और इसकी कोई सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस नहीं है। अब जो डिस्टर्बेंस है वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक की है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक के जो की फीचर्स हैं वो हैं इंटीमल थिकनिंग एंड लिपिड एकोमुलेशन। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक वाइट टू येलो रेस्ड लीजन है, 0.3 टू 1.5 सेंटीमीटर इनका डायमीटर होता है, इम्पोज्ड होता है और इसकी वजह से इसका कलर जो होता है वो रेड ब्राउन कलर हो जाता है। फैटी स्ट्रीक का कलर येलो वाइट था, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक का कलर रेड ब्राउन कलर होता है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स जो होते हैं ये पैची होते हैं, ठीक है, और समटाइम इनके लीजन जो है वो एक्सेंट्रिक भी हो सकती है। इसके बाद है इसके कंपोनेंट्स। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स के थ्री प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं, सेल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड। सेल्स कौन कौन से हैं? स्मूथ मसल्स, मैक्रोफेजिस एंड टी सेल्स। स्मूथ मसल प्रोलिफरेट करते हैं, टी सेल्स जो हैं ये मैक्रोफेजिस को स्टिमुलेट करते हैं, मैक्रोफेजिस स्मूथ मसल सेल्स की प्रोलिफरेशन करते हैं। तो हम कहते हैं तीन तरह के सेल्स इन्वॉल्व हैं, स्मूथ मसल सेल्स, मैक्रोफेजिस एंड टी सेल्स। सेकेंड कंपोनेंट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की कंपोनेंट्स में कोलेजिन है, इलास्टिन है, प्रोटीओग्लाइकेन है एंड इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। उसके बाद कुछ क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीजेज के। उसमें हम कहते हैं एक समटाइम ऐसा होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जहां पे वेसल हार्ड हो रही है वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो रही है, तो हो सकता है जिस वेसल में होगा वहां पे इस्कीमिया भी कॉज करेगी। मायोकार्डियल अगर क्रोनरी आर्टरीज में है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, और ब्रेन के आर्टरीज में डिवेल्प अगर होता है तो उसको हम सेरिब्रल इन्फेक्शन कहते हैं, इसको स्ट्रोक कहते हैं। एओर्टिक एनुरिज्म एंड पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेज। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेज में होता है गैंग्रीन ऑफ एक्सट्रीमिटीज की, जब एक्सट्रीमिटीज तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो उनकी गैंग्रीनस डेथ होना शुरू हो जाती है। एओर्टिक एनुरिज्म, एनुरिज्म जो होता है वो बेसिकली
डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स है कि जैसे जैसे प्लाक बढ़ता जाएगा ब्लड वेसल डायलेट होती जाएगी एंड एट दी एंड वो रिनोड फिनोमिना बेसिकली इसमें ये होता है कि जो डिजिट्स होते हैं उसमें फिट और हैंड्स के जो होते हैं उसकी जो डिजिट्स होते हैं वो ब्लू होते हैं, ब्लू और साइनोटिक अपेरेंट्स होती है। तो इसकी रिनोड फिनोमिना की वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है एग्जैजरेटेड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ डिजिटल आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स। जो आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स जो डिजिट्स को ब्लड सप्लाई करते हैं उनमें वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसके वजह से प्रोजिज्मल पेलर या साइनोसिस हो जाती है डिजिट्स की। इसकी टू टाइप्स हैं रिनोड फिनोमिना की, प्राइमरी रिनोड फिनोमिना एंड सेकेंडरी रिनोड फिनोमिना। प्राइमरी रिनोड फिनोमिना में हम कहते हैं कि जब कोल्ड की वजह से या समटाइम्स इमोशंस की वजह से वेजोमोटर रिस्पॉन्स की एग्जैजरेशन होती है। समटाइम्स बहुत ज्यादा सर्दी में जो डिजिट्स होती हैं वो नीली नीली होना शुरू हो जाती हैं, साइनोटिक होती हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉड फिनोमिना। सेकेंड टाइप है इसकी, तो सेकेंडरी नॉड फिनोमिना हम कहते हैं कि इसके मुख्तलिफ डिजीज में हमें देखने को मिलता है। सेकेंडरी का मतलब हमेशा यही होता है कि वो किसी डिजीज की वजह से सिम्टम्स अपियर हो रही हैं। तो इसमें SLE है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस, स्क्लेरोडर्मा, बर्जर डिजीज एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस जो है ये सारी की सारी जो डिजीजेज हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के अलावा, ये पहली तीनों डिजीजेज SLE, स्क्लेरोडर्मा, बर्जर डिजीज, ये तीनों ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं। मीन्स सेल्फ रिएक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट बॉडीज ऑन टिश्यूज दैट आर कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीजेज। SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस, ऑटो इम्यून डिजीजेज जितनी भी होंगी उसमें मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, मल्टी सिस्टेमिक डिजीजेज होती हैं। इसका जो इंडिकेटेड फीचर होता है SLE का, इसका ये होता है कि जो पेशेंट होता है उसकी होती है, उसको देख के लगता है कि उसकी नोज और चीक्स पे एक शेप बनी हुई है बटरफ्लाई लाइक, एक रैश होता है बटरफ्लाई रैश, दैट इज आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ SLE पेशेंट। इसके अलावा इसमें आर्थराइटिस भी होता है, समटाइम्स कार्डिक कंप्लेंट्स भी आती हैं, एंडोकार्डाइटिस भी होता है, उसको हम लिम्बन सैक्स एंडोकार्डाइटिस कहते हैं जो SLE की वजह से होता है। तो इसमें भी रिनोड फिनोमिना हो सकता है। और स्क्लेरोडर्मा नेक्स्ट डिजीज है, स्क्लेरोडर्मा में भी हम कहते हैं कि सेकेंडरी रिनोड फिनोमिना की सिम्टम्स आती हैं। अब स्क्लेरोडर्मा भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है, इसमें भी मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें होता क्या कि स्क्लेरोडर्मा में इलास्टिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी वजह से पेशेंट के जो मसल्स होते हैं और इलास्टिन जो होती है टिश्यूज की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और उसकी फिंगर्स जो होती हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाती हैं, हैंड्स की और फिट की फिस्ट क्लोज नहीं हो सकती, उसको हम स्क्लेरोडर्मा कहते हैं। बर्जर डिजीज दैट इज आल्सो एन ऑटोइम्यून डिजीज, इसको हम IgA नेफ्रोपैथी भी कहते हैं। IgA नेफ्रोपैथी बर्जर डिजीज जो होते हैं इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस के डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं किडनीज में और इसके अलावा इसमें थ्रोम्बोटिक स्टेट कंडीशंस डेवलप होती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस ये पहले भी डिस्कशन हो चुकी है, एथेरोस्क्लेरोसिस में भी हम कहते हैं कि सेकेंडरी रिनोड फिनोमिना की सिम्टम डेवलप वेन्स वेरिकोज वेन्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज। वेरिकोज वेन्स में ये होता है कि वेन्स जो होती हैं बहुत उभरी हुई वेन्स होती हैं, एबनॉर्मली डायलेटेड होती हैं और टॉर्शियस वेन्स होती हैं, और ये प्रोड्यूस इस वजह से होती हैं जब इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए और वेसल वॉल की सपोर्ट कम हो जाए। मोस्टली हमारे जो आर्टरीज या ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें वॉल्व्स होते हैं जो यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो को मेंटेन रखते हैं, लेकिन जब वो वॉल्व डिफेक्टिव होना शुरू हो जाते हैं वेसल्स के, जब वॉल्व्स डिफेक्ट होंगे तो फिर ब्लड फ्लो भी नॉर्मल नहीं होता, ब्लड फ्लो में स्टेसिस डेवलप होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से हम कहते हैं वेंस जो होती हैं वो डायलेटेड और टॉर्शियस अपेयरेंस उनकी होना शुरू हो जाती है। वेरिकोज वेंस में मोस्ट कॉमन कौन सी वेंस हैं जो इन्वॉल्व होती हैं? मोस्ट कॉमन वेंस जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो है सुपरफिशियल वेंस ऑफ, और एज फैक्टर जो है इसमें हम कहते हैं मोस्टली जो है
females, 20% of men, and 33% of women develop lower extremity varicose veins. Varicose veins जो हैं mostly lower extremities में develop होती हैं. Obesity इसका एक risk factor है. उसके अलावा familial tendency होती है, genetically कुछ लोगों की उसमें होता है कि venous valves जो होते हैं वो incompetent होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से varicose veins develop होती हैं. क्लिनिकल फीचर्स में ये होगा कि जब वेरिकोज डायलेशन होती है, वीनस वॉल्व्स इनकम्पिटेंट होते हैं, तो क्या होगा, ब्लड में स्टेसिस आ जाएगी, ब्लड स्टॉप हो जाएगा. ब्लड स्टॉप होगा तो वहां पे कंजेशन डेवलप होगी. कंजेशन का आपको पता है कि वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ज्यादा हो जाता है. एडिमा होगा, पेन एंड थ्रोम्बोसिस. परसिस्ट करेगा एडिमा का मतलब यह है कि इंट्रा वास्कुलर से एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेसिस में फ्लूड ऊज आउट करना शुरू कर देता है. जब एडिमा परसिस्ट करता है तो वहां पे सेकेंडरी इस्कीमिक स्किन चेंजेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, उसके साथ ही डर्माटाइटिस और अल्सरेशन होती है. वो मोस्टली लोअर एक्सट्रीमिटीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन 48 स्लाइड्स में आप लोग देख रहे होंगे, इसमें तीन और साइट्स भी दिखाई हुई हैं. एक एसोफेजियल वेरिकिस है, एसोफेजियल स्फिंक्टर है, और दूसरा कैपट मेडूसे है, और तीसरा हेमराइड्स है. मींस हम कह सकते हैं कि एसोफेगस रेक्टम और अम्बलाइकस पे में भी इसकी वेरिकोज वेन्स वाली कंडीशन डेवलप होती है. एसोफेजियल वेरिकिस ये कैसे डेवलप होते हैं, इसकी वजह होती है लिवर सिरोसिस की वजह से हिपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है या पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन होती है. तो लिवर सिरोसिस हम कह सकते हैं इन शॉर्ट पोर्टल हाइपरटेंशन कॉज करती है. जब पोर्टल हाइपरटेंशन होती है तो पोर्टोसिस्टेमिक शंट की ओपनिंग होती है और गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है. गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो एसोफेजियल वेरिकिस वेंट्स जब डायलेटेड होते हैं तो उस कंडीशन को हम हेमराइड्स कहते हैं. और कैपट मेडूस उस कंडीशन को हम कहते हैं कि जब पेरी एम्बलाइकल वेंट्स जो होती हैं एब्डोमिनल वॉल्स की इन्वॉल्व होंगी तो उसको हम कहेंगे कैपट मेडूस. कि कुछ और कॉजेज भी बताई हुई कि हेमराइड्स जो होते हैं प्राइमरी वेरिकोज डायलेशन की वजह से डिवेल्प होते हैं एट एनोरेक्टल जंक्शन. ठीक है, इसकी सिम्टम्स जो होती हैं ब्लीडिंग होती है, थ्रोम्बोसिस एंड पेनफुल. नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा सिंड्रोम. तो पहले आपको सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के फंक्शंस का पता होना चाहिए. होप्स आप लोगों को पता होगा. सुपीरियर वेना केवा जो है हेड नेक और बोथ अपर लिम्ब से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में डिलीवर करता है. ठीक है, इंफीरियर वेना केवा जो है इंफीरियर मींस लोअर, मींस ये लोअर एक्सट्रीमिटीज का जो ब्लड होता है ये हार्ट में वापस लेके जाता है. तो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा सिंड्रोम का मतलब यह है कि सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम में मोस्टली हम कहते हैं कि कोई नियोप्लाज्मा का, नियोप्लाज्मा मैंने आपको पढ़ाया था कि एनी न्यू ग्रोथ जिसमें हम कह सकते हैं कोई ट्यूमर हो सकता है बिनाइन या फिर कोई मेलिग्नेंट ग्रोथ हो सकती है. तो सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम जो है हम कहते हैं कि दैट इज कॉज्ड बाय नियोप्लाज्म. अब नियोप्लाज्म जो होगा वो फिर क्या करता है, सुपीरियर वेना केवा को कंप्रेस कर, नाइन ग्रोथ होती है तो आपको वो एक एक्सपेंसिबल मैस होता है तो वो कंप्रेस करेगा वेना केवा को. और अगर मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म हुआ तो वो इन्वेड करेगा, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम क्रिएट करता है. तो इसकी एग्जाम्पल्स हैं ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा और मीडियास्टिनल लिम्फनोमा. ये दोनों नियोप्लाज्म जो है सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम डेवलप करते हैं. अब इसकी वजह से सिम्टम्स क्या डेवलप होंगी, अगर कोई कंप्रेशन आ रही है सुपीरियर वेना केवा पे तो उसकी रिजल्टिंग सिम्टम्स क्या होंगी, क्योंकि सुपीरियर वेना केवा हेड नेक और बोथ आर्म्स और चेस्ट रीजन से ब्लड हार्ट में डिलीवर करता है. जब सुपीरियर वेना केवा कंप्रेस हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, वो वेन्स जो हेड नेक और आर्म्स की हैं उनमें डायलेशन होगी और साइनोटिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी. पल्मोनरी वेसल्स भी कंप्रेस होंगी और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप. उसके बाद है इंफीरियर वेना केवा सिंड्रोम. इंफीरियर वेना केवा का फंक्शन है कि उसने लोअर एक्सट्रीमिटीज से ब्लड हार्ट में डिलीवर करना है.
इन्फीरियर वेना केवा सिंड्रोम भी किसी नियोप्लाज्म की वजह से होगा, जिसकी वजह से वो नियोप्लाज्म अगर बिनाइन हुआ तो कंप्रेस करेगा, अगर मैलिग्नेंट हुआ तो इन्फीरियर वेना केवा में इन्वेड करता है। या फिर एक तो इसका कॉज है नियोप्लाज्म, बिनाइन या मैलिग्नेंट। बिनाइन कंप्रेशन सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, मैलिग्नेंट कैंसीरियस सिम्टम्स एनाप्लास्टिक फीचर्स डेवलप करेगा। इसके अलावा इन्फीरियर वेना केवा सिंड्रोम जो है वो थ्रोम्बस की वजह से भी डेवलप हो सकता है, किसी ब्लड क्लॉट की वजह से भी डेवलप हो सकता है। अब वो ब्लड क्लॉट इन्फीरियर वेना केवा सिंड्रोम में किसकी साइट पे हो सकता है, उसमें जो इन्वॉल्व होती हैं वो हिपेटिक वेन्स हैं, रेनल वेन्स हैं और लोअर एक्सट्रीमिटी वेन्स हैं। एक्सट्रीमिटी वेन्स में ब्लड क्लॉट अगर हो जाए तो तब भी हम कहेंगे इन्फीरियर वेना केवा सिंड्रोम डेवलप हो सकता है, या फिर किसी नियोप्लाज्म की वजह से हो सकता है। टू कॉजेज हैं, नियोप्लाज्म या एनिथ्रोम्बस। नियोप्लाज्म में टू सिम्टम्स आती हैं, बिनाइन होगा तो कंप्रेशन सिम्टम्स आएंगी, मैलिग्नेंट होगा तो इन्वेशन एंड मेटास्टेटिक सिम्टम्स आएंगी। अगर थ्रोम्बस है, ब्लड क्लॉट है हिपेटिक रीनल या लोअर एक्सट्रीमिटी वेन्स में, तो तब भी वो अपवर्ड प्रोग्रेस करेंगी, एम्बुलाई और इन्फेक्शन वाली सिम्टम्स क्रिएट होंगी। सेलुलर कार्सिनोमा और रिनल सेल कार्सिनोमा भी इन्फीरियर वेना केवा सिंड्रोम में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब ऑब्स्ट्रक्शन और स्पिरर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन हुई, तो क्योंकि स्पिरर वेना केवा हेड नेक और अपर आर्म्स की ब्लड सप्लाई को कलेक्ट करता है, तो वहां पे कंजेशन हुई। अब इन्फीरियर वेना केवा कंप्रेस होगा तो कहां पे कंजेशन होगी, लोअर एब्डोमेन में, ठीक है, और लोअर एक्सट्रीमिटी में एडिमा होगा, लोअर एब्डोमेन की वेन्स जो है वो डिस्टेंडेड हो जाएंगी, और इसके साथ ही समटाइम्स प्रोटीन यूरिया भी